अनबॉक्स करेंगे एडगार्ड का कूलर है, जो कि नई कंपनी है, मार्केट में आई है, अभी लॉन्च हुई है कूलर में, हो सकता है पहला सीजन हो 2024 का। और देखिए काफी जबरदस्त पैकिंग आपको देखने को मिल जाती है, दो साल की, जब से सब जबरदस्त बातें हैं, दो साल की वारंटी इसमें देखने को आपको मिल जाती है। तो हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे, इसकी पैकिंग बहुत जबरदस्त है, अंदर कैसे होने वाला है ये अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे। तो इसकी पैकिंग काफी अच्छी खासी पैकिंग है, देखिए जिस तरह से अच्छे अच्छे कंपनियों की पैकिंग होती है जो ब्रांडेड होते हैं, ऐसे है। तो दोस्तों देर न करते हुए हम लोग पूरी तरह से इसको करते हैं अनबॉक्स, और जैसे ही बॉक्स को हटाते हैं देखिए काफी अच्छी पैकिंग देखने को मिली, जैसे फ्रिज पैक होकर आती है, जैसे बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनी है जो 18,000-20,000 कूलर आते हैं जैसे पैकिंग होती है, वैसा पैकिंग इसका भी देखने को हमको मिला। तो काफी मजबूत पैकिंग था, देखिए फ्रंट साइड से काफी गजब लुक है, देखने भी काफी अच्छा है। एडगार्ड का कूलर देखिए, जो ऑपरेटिंग स्विच है काफी मजबूत है, फैन की साइज भी काफी अच्छी है, काफी चौड़ी फैन की साइज भी है, काफी अच्छी एयर डिलीवरी होगी, लेकिन अभी हम लोग चलक भी देखेंगे कि कितनी अच्छी एयर डिलीवरी है। जिस बेस में मोटर लगा हुआ है वह बेस फाइबर मटेरियल का है, तो लोहे का है नहीं, इसलिए जंग लगने के कोई चांस नहीं है, काफी अच्छा बेस है। और यहाँ पे देखिए चक्का लग जाता है, और चक्का इसका पीछे इसी के साथ में दिया रहता है, चारों चक्के, पांच चक्के लगे होते हैं, जो 65 लीटर का होता है उसमें चार चक्के होते हैं, तो काफी मजबूत है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे हनीकॉम कूलिंग पैड भी लगा हुआ है, तो हनीकॉम कूलिंग पैड इसमें पानी बहुत अच्छे से फैलता है और डस्ट भी कम आता है, तो काफी अच्छी कूलिंग मिलती है। 2 साल का वारंटी कार्ड यहाँ ऊपर रखा हुआ है इसका वारंटी कार्ड, और कुल मिलाकर जिस रेंज में है 9,000-9,500 की रेंज में काफ़ी अच्छा कूलर है, और जो भी प्रयोग करेगा काफ़ी हमको लगता है काफ़ी संतुष्ट रहने वाला है। अभी हम लोग चला कर देखते हैं कितनी हवा होने वाली। देखिए यहाँ पे वाटर इंडिकेटर दिया गया है, क्योंकि 80 लीटर का कूलर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक वाटर भर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ सबसे खास बात जो आपको बता दें, पीछे इसका नीचे इसका ड्रेनिंग सिस्टम दिया गया है, जो एक वाल्व लगा हुआ है रबड़ का, तो यहाँ से पानी भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए चक्का रखा गया है इसका चारों, और यहाँ ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ देखिए फाइबर का स्क्रू है, जिसको आसानी से हाथ से आप खोल सकते हैं और पूरा ढक्कन पीछे से निकाल कर साफ कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है लोहे के स्क्रू होते हैं उसको बिना स्क्रू ड्राइवर के खोल नहीं सकते आप। तो काफ़ी अच्छा है ये, संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 200 वाट का है, यहाँ पे पूरा इसका सब कुछ दिया गया। इसको हम लोग ऑन करके टेस्टिंग करने वाले हैं, क्या वाकई में हवा भी इसकी अच्छी है कि या बनाया गया जिस प्रकार कंपनी दावा करती उसी प्रकार से। तो सबसे पहले इसको करेंगे ऑन, और यहां से स्पीड बीच वाली है, अब देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा है। तो आप इसका देख सकते हैं काफी अच्छी हवा है, एयर थ्रो काफी लंबा है, 35 फीट एयर थ्रो लिख के कंपनी ने दिया हुआ है, तो लेकिन हमको नहीं लगता 35 फुट एयर थ्रो होगा किसी भी कूलर का, लेकिन काफी अच्छा एयर थ्रो है। तो देख सकते हैं आप, और स्पीड बढ़ाओ, लो साइड हो गया और हाई करो, अच्छा स्पीड, 3 स्पीड इसमें कंट्रोलर है, लो मीडियम हाई, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और आपको दिखा दें, यहाँ से जो एडजस्टेबल दिया गया है ऊपर नीचे हवा करने के लिए, देखिए यहाँ से कितनी अच्छा से यहाँ से दिया गया, देखिए ऊपर करते हैं, यहाँ से भी ऊपर करते हैं, तो काफी अच्छा है। और यहाँ से देखिए आप, इसमें पंप का यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ से स्पीड हाई मीडियम और लो, 3 स्पीड है, यहाँ पे स्विंग का ऑप्शन है, तो काफी अच्छा होने वाला है।